हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में 2020 में टीजीटी नॉन मेडिकल का जो कमीशन आया था, फिजिक्स पोर्शन का पार्ट थ्री जो है अब आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है पार्ट वन और पार्ट टू आपके लिए सॉल्व किया गया था। आज की इस क्लास में लगभग 12 से 13 या 14 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसी के साथ 2020 टीजीटी कमीशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है, यूनिट ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट इज, स्टीफन कॉन्स्टेंट की यूनिट पूछी गई है हमसे। देखिए अपने नोट्स में मैंने एक रेगुलर क्लासेस जो थी अगर आपने अटेंड करी होगी तो आपको वो इक्वेशन याद होगी जिसमें स्टीफन कॉन्स्टेंट आता है। किससे डिनोट किया जाता था याद कीजिए, एक मिनट अपने दिमाग पर जोर डालिए। देखिए स्टीफन कांस्टेंट आता है इस इक्वेशन में, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहां से याद रखना है आपने, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू E ओवर टी की पावर 4। व्हाट इज E हियर? हियर E इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए सिग्मा यहां पर कितना आएगा, जो एनर्जी होगी वो होगी पावर ओवर एरिया हियर डिवाइड बाय टी की पावर 4। तो पावर की यूनिट क्या रहती है, वॉट पर एरिया। एरिया कितना रहता है, मीटर स्क्वायर नीचे होगा तो यहां पर आ जाएगा मीटर माइनस 2। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन रहती है माइनस 4। दिस इज द यूनिट ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। एंड व्हाट इज ई हेयर, ई इज द एनर्जी हेयर रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारी एनर्जी बनेगी यहां पर पावर ओवर एरिया दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वेयर। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिए वॉट पर मीटर स्क्वेयर के की पावर 4, तब यहां पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हमने डिवाइड में लिखा है। तो इन चीजों का भी खास ख्याल रखना है आपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8 × 10^13 पर मीटर क्यूब एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 5.5 × 10^12 मीटर क्यूब। द सेमी कंडक्टर इज, ये सेमी कंडक्टर है किस टाइप का होगा। देखिए अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई होगी ये क्वेश्चन भी कवर किया गया है। क्या क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास दिए गए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल। किसके, जो कंसंट्रेशन ऑफ है इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ होल से। इसका मतलब क्या होता है, इट इज ऑफ एन टाइप, इट इज ऑफ एन टाइप। और दूसरा भी आपको बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं होल ज्यादा होते हैं, जब ये बराबर रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल कंसंट्रेशन देखनी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो गई होल से तो हमारे पास हो गया एन टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम HE पॉजिटिव आयन इज। देखिए इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, इस वैल्यू को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इट इज 54.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए ग्राउंड स्टेट से, किसके, HE पॉजिटिव आयन में। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू गेट थ्री इमेजेस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। क्या बोला है कि तीन इमेज चाहिए हमें ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वन शुड हैव टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है किस एंगल पर रखना है जिस ताकि हमें तीन इमेजेस मिले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस जब आपके पास जो है टू प्लेन मिरर दिए गए हो, दैट इज 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। ये थीटा वो एंगल है जहां पर हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे, ये फार्मूला रहता है, करवाया गया है रेगुलर क्लासेस में। अब देखिए यहां पर हमें नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है, थीटा निकालना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टू प्लेन मिरर है एट 60 डिग्री,
तो बताएं नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, तो 16 यहां पर पुट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस आर 3, तो वो जो दो प्लेन मिरर है वो कितने एंगल पर होंगे, तो कितना आएगा देखिए, 360 डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीन इमेजेस लेने के लिए जो दो प्लेन मिरर है उन्हें 90 डिग्री के ऊपर जो हमें रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है 2020 कमीशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपको तभी एग्जाम में आएगा, अदरवाइज आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या बोलता है, जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही हमसे पूछा गया है, 1/T आएगा हमारे पास आंसर, वेयर टी इज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। कोई इलेक्ट्रॉन डाइपोल है जिसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म, देखिए नॉन यूनिफॉर्म कहा गया है, नॉन यूनिफॉर्म, तो वो दो चीजें जो है एक्सपीरियंस करेगा। फर्स्ट वन इज नेट फोर्स प्लस, सेकंड वन इज वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डाइपोल को जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो दो चीज एक्सपीरियंस करता है, फर्स्ट वन इज नेट फोर्स, सेकंड वन इज टॉर्क। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ यूनिफॉर्म पूछा गया होता कि यूनिफॉर्म फील्ड में जो है रखा गया है, तो वो सिर्फ एक ही चीज एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज टॉर्क। उस केस में जो है वो नेट फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये खास ख्याल रखना है। नेट फोर्स से तभी एक्सपीरियंस करेगा जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है रखा गया होगा, अगर यूनिफॉर्म आएगा तो वो सिर्फ एक चीज ही एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज अवर टॉर्क। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन एक्सियल लाइन इज, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है याद ही रखना पड़ेगा, दैट इज जीरो। क्या है क्वेश्चन, एंगल है बिटवीन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ऑन इट्स कोएक्सियल लाइन, दैट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, जो ईएमएफ है सेल का वो किस पे डिपेंड करता है, आपको बताया गया है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सेकंड वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, माफ कीजिएगा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरा करता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड्स। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, होप क्वेश्चन आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट रहता है, कहीं पर कोई क्वेरी रहती है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कोई एमसीक्यू हमारे द्वारा गलत करवाया गया, तो बेझिझक कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका डाउट को जो है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ जिनको भी जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाना, पॉजिटिव अप्रोच को पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ लैंप डिक्रीज बाय 5% देन द पावर आउटपुट डिक्रीज बाय। क्या बोला है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है लैंप में जो डिक्रीज करेगा 5% से, लेकिन पावर आउटपुट कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, करने के दो तरीके हैं लेकिन मैं शॉर्टकट करवाऊंगा। देखिए डेल आई ओवर आई दैट इज डिक्रीज इन करंट इज 5%। नाउ वी नो द रिलेशन ऑफ पावर, व्हाट इज पावर इज
I square divided by R. Now decrease in power. Del P over P is equal to 2 time del I over I. R तो constant है, रहने देते हैं लिखना. तो कितना हो गया? 2 into 5% which is equal to 10%. तो decrease in power is 10%. क्वेश्चन क्लियर हुआ? पावर कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी? 10% से डिक्रीज करेगी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो इसका शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का. होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जायरेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. अब ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको जो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी याद होगी, उसका फॉर्मूला याद होगा. तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू बी क्यू ओवर 2πm, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है, दैट इज 1 टेस्ला. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी, 1 टेस्ला इंटू क्यू. क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पता होना चाहिए कितना रहता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलर. Divide by 2 into what is the value of pi? 3.14 into m. Here m is the mass of that electron. And now what is the mass of electron? Mass of electron is 9.1 × 10⁻³¹ kg. बस ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए. और कैसे इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ये आपको मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में बताया है कि फास्ट कैसे सॉल्व करना है. मैंने सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा. इट इज इक्वल टू 28 GHz. दिस इज आवर राइट आंसर. तो ये जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. व्हाट इज न्यू हियर? इट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए इस एमसीक्यू के साथ कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं. एक तो पहला ये फार्मूला, दूसरा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी याद हो जाएगा आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी याद होना चाहिए. और कैसे जब फास्ट इनको सॉल्व करना है उसके लिए कोई भी रेगुलर वीडियो उठा लीजिए मेरी, जहां पर है न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं. होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं. ठीक है, मेन आइडिया ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो भी आना चाहिए, और क्या क्या चीजें जो हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम में. बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे. मेन मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि फॉर्मूला क्या रहता है वो तो याद होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, तीसरा फॉर्मूला से रिलेशन कैसे बनते हैं. तो ये चीजें आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव बट स्मॉल फॉर. अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार मुझे लगता है 2018 में भी आया है, 19 में भी आया है और 20 में भी पूछा गया है. ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव बट स्मॉल, बताया गया है आपको ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है 2 केस में, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हाईली पॉजिटिव रहती है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कम पॉजिटिव रहती है. वही पूछा गया है, पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्टेट कंडक्टर इज. क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्टेट कंडक्टर? इट इज 0. ये आपको तभी याद रहेंगे जब आपने ये एक बार पढ़ा होगा. अब आपने ये पढ़ लिया, होप अब आप कभी नहीं भूलोगे इसे. नेक्स्ट टाइम अगर कमीशन में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या है ये 0, ये है सेल्फ कंडक्टेंस, माफ कीजिएगा इंडक्टेंस ऑफ अ स्टेट कंडक्टर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय. डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, हर जगह यूज होती है डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में. इसका आइडिया किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए, कौन थे जिन्होंने आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया था. ये आपके लिए रहा होमवर्क. देखिए 2020 में पूछा गया है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इन्हें पढ़ा होगा.
ये न्यूमेरिकल की तरह तो नहीं होते कि रिलेशन बनाना है कहीं पर आपको किसी फॉर्मूला से। इस तरीके के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपने ये पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, यहाँ वहां सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिए या बुक्स में ढूंढिए। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि किसने जो है डिस्प्लेसमेंट का आइडिया दिया था। तो इसके साथ जो है हमारे लास्ट थ्री ईयर के कमीशन 2018-19 और 20 की ये जो सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर हम सीरीज लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने इसकी और वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाए या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए जो है बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन से होता क्या है कि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।